तो हेलो प्यारे बच्चे, चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है कि देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसे आप सीखोगे कि न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकालते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द अर्थ, अर्थ के सेंटर से वो पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है वेयर द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द अर्थ जीरो है एंड द मून जीरो है। ठीक है, फोर्स जीरो है। और ये कहता है मास ऑफ अर्थ आपको लेना है, मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास आपको कंसीडर करना है 6.0 × 10^24 kg, हैवी मास है। एंड मून का मास आपको लेना है, मास ऑफ मून आपको कंसीडर करना है 7.4 × 10^22 kg, है ना। कम है मून का, छोटू है मून। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है वो आपको, ये 40 नहीं, मिस प्रिंट है यहाँ, 4.0 है। ठीक है, तो डिस्टेंस डी लेना है, वो 4.0 × 10^5 किलोमीटर, इतना आपको कंसीडर करना है। ये वाली डिस्टेंस डी डिस्टेंस, मतलब ये अर्थ का सेंटर है, तो सेंट्रल डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस। बच्चों, डी का मतलब होता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से, ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली डी। तो ये कितना डिस्टेंस है, ये आपको दिया हुआ है। और मास ऑफ अर्थ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और मास ऑफ मून भी आपको दिया हुआ है। तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, ठीक है, इसे हम सीखेंगे। देखो, अब अर्थ और मून के बीच में जाऊंगा, ठीक है, तो अर्थ से कितने कितने दूरी पर न्यूट्रल पॉइंट लगे। अब देखो, बीच में तो आएगा नहीं यार, ठीक है, बीच में तो न्यूट्रल पॉइंट आएगा नहीं, क्योंकि दोनों के मास इक्वल नहीं है यार। तो जब दोनों के मास इक्वल नहीं है तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं आएगा। तो ये जो पॉइंट है, मान लेता हूँ पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी एक न्यूट्रल पॉइंट है, जहाँ पर अर्थ और मून दोनों का जो फोर्स है उसकी वैल्यू जो है वो जीरो रखता हूँ मैं। ठीक है, फोर्स और फील्ड दोनों जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ कोई पॉइंट मास रख देते हो तो वो कोई फोर्स ही नहीं फील करेगा भाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट मास रखता हूँ 1 kg का, ठीक है, वट ईवर, 1 kg, 10 kg, 20 kg, कुछ भी रख दो, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है और फील्ड है उसकी वैल्यू एक्चुअल में जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में जीरो आ जाएगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, दिस डिस्टेंस आर, इस आर की कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर भाई अब ये सोचेंगे कि फोर्स जीरो क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ जीरो होने के पीछे जो रीजन है, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो जो मून का अट्रैक्शन है इस पॉइंट पर, पॉइंट मास से कोई भी देख लो, तो फोर्स बाय द मून और फोर्स बाय द अर्थ, ठीक है, अर्थ और मून का फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। ठीक है, ये अर्थ का फोर्स है उस पार्टिकल पे और ये मून का फोर्स है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। तो नेट फोर्स, हाँ, नेट फोर्स क्या हो जाएगा भाई, नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि यहाँ पे F1 - F2, मतलब F1 - F2 फोर्स ऑफ अर्थ माइनस फोर्स ऑफ मून मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो ये नेट फोर्स जीरो आ जाएगा भाई। इसका मतलब ये हुआ कि F1 = F2, ठीक है ना, मतलब एफ ऑफ अर्थ, एफ ऑफ मून मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो अगर इनको वेक्टर में लिखोगे तो ऐसे नहीं लिख सकते, वेक्टर में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, तो माइनस एफ ऑफ मून ऐसे, ठीक है ना ये। और अगर स्केलर में लिखोगे तो स्केलर में मैग्नीट्यूड बराबर है। तो चलो, तो फाइनली यही लॉजिक हम अप्लाई करते हैं, दोनों का डिस्टेंस निकाल के इक्वेट कर देते हैं, और आई होप कि आपको मज़ा आ जाएगा समझ के। तो ये वाली डिस्टेंस आर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी यार, ये होगी d - r भाई, सिंपल सी बात है। तो ये डिस्टेंस d - r है। तो यहाँ पर देखोगे, कोई भी अगर स्मॉल mkg का यहाँ पर पार्टिकल रखे हो तो उस पर फोर्स जीरो है, तो फोर्स बाय द मून मैं लिखूंगा, ध्यान रखना, फोर्स बाय द मून कैपिटल जी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ द मून और मास ऑफ द पार्टिकल जो आप रखे हो, डिवाइड कर दो किससे, d - r का स्क्वायर से। ठीक है, उसी तरह से ये बराबर होना चाहिए किसके, फोर्स ऑफ अर्थ के, तो फोर्स ऑफ अर्थ इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ पार्टिकल जो रखे हो, और डिवाइड कर दो आर का स्क्वायर का। ध्यान रखना है, इसमें जो भी फार्मूले में डिस्टेंस यूज होते हैं वो सेंट्रल डिस्टेंस होते हैं, तो मैं सरफेस से नहीं ले सकता, तो ये गलत है। और कोई भी दिक्कत है कमेंट में
करो, तो इसे इस्माइल को ख़त्म कर दिया और कैपिटल जी ने कैपिटल जी को ख़त्म किया। इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून की जो रेशियो आ जाएगी बच्चों, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून की जो रेशियो आ जाएगी वो स्मॉल आर अपान डी माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला चीज़ हमारे पास आ रहा है। तो अब हमें स्मॉल आर की कैलकुलेशन करनी है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको इन्वर्स ले लेता हूँ। तो इन्वर्स ले लूँ तो कितना आ जाएगा, तो मास ऑफ मून और मास ऑफ अर्थ डिवाइड कर दूँ डी माइनस आर और आर का अंडर रूट, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डी अपन आर माइनस वन। इसका मतलब ये हुआ कि डी अपन आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वन प्लस मास ऑफ मून और मास ऑफ अर्थ का अंडर रूट, ये वाला। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा प्यारे बच्चों, तो इसको सॉल्व करके क्या करें, हाँ इसको सॉल्व करो, सब सबकी वैल्यू रखो भाई। तो इसकी जब वैल्यू रखोगे तो वन प्लस मास ऑफ मून, हाँ देखो मास कितना लिया गया भाई, तो मास ऑफ मून कितना है, 7.4 × 10^22 kg। तो यह आ जाएगा मास ऑफ मून जो है 7.4 × 10^22 kg, और मास ऑफ अर्थ ज़्यादा है, तो मास ऑफ अर्थ कितना है भाई, तो यह है 6 × 10^24 kg। ये सब कुछ अंडर रूट है। तो जब इसको सॉल्व करोगे फाइनली तो ये मिलेगा 1 + 1/9, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं 10/9 भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनली दिस इज़ बेसिकली डी अपन आर की वैल्यू है, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 9 × d/10, और 9 × 10 d कितना है भाई, तो 4 × 10^5 है। तो फाइनली ये 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3.6 × 10^5, दिस इज़ द फाइनल सेपरेशन। तो अर्थ के सेंटर से 3.6 × 10^5 पे इतना मतलब मीटर, इतना किलोमीटर पे डिस्टेंस पे जाओगे तो तुम्हें बेसिकली न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, आई विल रिप्लाई योर कमेंट।